अभी तक तो यहाँ से बस भी निकल गई होगी, सीधा हाईवे जाना पड़ेगा, लेकिन ये हाईवे का शॉर्टकट, अरे भाई साहब सुनिए, ये हाईवे के लिए यहाँ से कोई शॉर्टकट जाता है ना, वो कहाँ से? ये यहाँ से जंगल से चले जाइए। थैंक यू। कौन है वहां पे? ये क्या हो रहा है? होगा तो आप पुनिया, देखो रोना बंद करो, चिंता मत करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं हूं ना यहां तुम्हारे साथ। खाना खाया? ये वीआईपी कैदी है, इसे जेल का खाना पसंद नहीं। वैसे आपके क्लाइंट के खिलाफ तो केस सॉलिड हो गए। हाँ, केवल केस ही बना है अब तक, अपराध सिद्ध नहीं हुआ। वो भी हो जाएगा, इसके खिलाफ जो सबूत मिला है उसके बाद तो पुनिया का बचना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। मैंने कौन किया? और गांव वाले के अपील पर हमने दिल्ली से प्रोसिक्यूटर मंगाई है, सुप्रीम कोर्ट के तेज तरार वकील माधुरी लेखी। योर ऑनर, अपनी बात रखने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो लड़की कटघरे में खड़ी है पुनिया, इसकी मौजूदा और मानसिक हालत को देखते हुए इसके प्रति मेरी हमदर्दी है। एक बेचारी, अरे लेखी जी, आप अपना केस थ्रेटर से लड़िए ना, मेरे मुवक्किल को सहानुभूति और दया भावना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो भी समझिए, मैं तो अपना फर्ज समझकर, खैर योर ऑनर, गुनाह कोई भी करे, गुनाह गुनाह ही माना जाता है, और इस लड़की पुनिया से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, कत्ल किया है इसने, कुमार चंद्र का कत्ल किया है। इस बात का कोई साक्षी, कोई साक्ष्य है आपके पास? योर ऑनर, इस लड़की पुनिया के घर के पीछे से कुमार चंद्र का कटा हुआ सर मिला है। यदि मैं आपके घर के पीछे किसी का शव रख दूं तो क्या आप हत्यारिन बन जाती हैं? हरगिज नहीं, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर से सबूत मिल जाए तो बेशक मैं दोषी साबित होंगी। और मिस्टर पाठक, इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। पुनिया के घर से चंद्र का ये गमछा, चप्पल और बाली ये मिला। इतना ही नहीं माय लॉर्ड, किशन और जगन, दो गांव वाले जिनका कुछ पता नहीं है, उनका सामान भी इस लड़की पुनिया के घर से ही मिला। बताओ पुनिया, कहाँ है किशन और जगन, बोलो। हमने कुछ नहीं किया है, हमें घर जाना है। मिस्टर पाठक, आपने मुवक्किल को समझाइए। जी योर ऑनर। पुनिया रुको, देखो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना। मिस्टर पाठक, क्यों झूठा दिलासा दे रहे हैं उस बेचारी को? अब पुनिया ने जुर्म किया है तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी। योर ऑनर,
इसकी स्थिति को देखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस बेचारी को। देखिए जी, ये जो आपकी रहमदिली है ये आप अपने पास ही रखिए और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये सीधी सादी सरल सी लड़की ये तीन व्यक्तियों की हत्या क्यों करेगी? क्या उद्देश्य हो सकता है इन हत्याओं के पीछे? मुझे पता था आपके जैसा इंटेलिजेंट लॉयर मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा और इसलिए मैंने इसके जवाब की तैयारी भी कर रखी है। क्या वजह थी जिसके कारण ये लड़की पुनिया ने इतना बड़ा गुनाह किया? मैं चंद्र की पत्नी दुलारी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। बताइए दुलारी जी, वो वजह। जज साहब, पिछले होली की बात है। अरे हम तुम्हें ना दिन से ढूंढ रहे थे। होली का पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। तुम यहाँ बैठो, हम अभी आए। अबे बस भी कर चंदर। अरे भांग पीते पीते दिन से रात हो गई यार, कब तक पिएगा? पर प्यास भी तो नहीं बुझती। ए पुनिया, अरे आना, तू नहीं खेल रही होली, तू नहीं पिएगी भांग? नहीं, ये गंदी बात है। ला। पी ले, ले ना, पी? नहीं। अरे पी ना। नहीं पी, अरे पी ना। इसे क्यों भांग पिला रहे हो? पीने दो, आज तो भांग पीने की आजादी सबको है। जाने दो इसे, चल तुम्हारे साथ। ए! कहाँ ले जा रही है? जरा हमें भी तो इससे होली मिलने दे। क्यों जगन? क्यों किशन? नहीं है चलना। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? चलो जाने दो इसे, छोड़ो इसे, चल। अगर पुनिया वहां से भागी नहीं होती तो क्या ये बात सत्य है पुण्य? योर ऑनर, पुनिया के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और वो लोग बहुत बड़ी सजा के लायक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुलारी जी कि ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? कमाल है मिस्टर पाठक, एक शहर की औरत पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और आप छोटे से गाँव की इस औरत से ये सवाल पूछ रहे हैं और वो भी अपने पति के खिलाफ। हमने बताना चाहा जज साहब, पर हमारे मर्द ने हमें जान से मारने की धमकी दी। हम चुप रहे। जब कल मैडम जी से बात हो रही थी तो हमें लगा हमें वो सच बता देना चाहिए और हमने वो सच बता दिया। लेकिन योर ऑनर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अपना बदला लेने के लिए पुनिया ने जो कदम उठाया क्या वो सही है? मेरे ख्याल से और कानून की नजर में भी ये गलत है और मुझे तो ये लगता है योर ऑनर कि बदले की आग में इसने चंद्र का ही नहीं बल्कि किशन और जगन का भी वही हाल किया है, क्योंकि इस लड़की पुनिया की अलमारी से वो कपड़ा जिसमें इसने उनका सामान रखा था वो मिला। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि इतनी दुर्बल लड़की, इसमें ना वो मूर्ति बनाने की क्षमता है ना उसे उठाने की शक्ति। पर आज तो इसमें पुनिया का ही है वकील बाबू, और इसमें इसका साथ दे रही है इसकी परदादी भूरी। जी जज साहब, अब पुनिया के साथ जबरदस्ती हुई है ये बात हमको मालूम नहीं थी, पर होली की रात से अगले दिन तक पुनिया गांव में नहीं थी। इसे किसी ने पुराने खंडहर के पास देखा भी था। तुम वहाँ क्या करी थी पुनिया? बोलो, घबराओ नहीं। हम रो रहे थे, मदद मांग रहे थे भगवान जी से। भगवान जी से नहीं, अपनी परदादी जी से। जज साहब, अब हमको सारी बात समझ में आ गई है। क्या सरपंच जी, क्या समझ में आ गया है? यही कि अपने ऊपर हुए अत्याचार के बाद पुनिया खंडहर गई और रो रो कर अपनी परदादी घुरी को
मदद के लिए पुकारने लगी। मदद करो हमारे नाने, वरना वरना ये लोग हमें हमें आपके पास बुला लो। तू कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तुझको अभी बदला लेना है, बदला है, बदला। हमारे साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार हुआ, पर तेरी घूरी दादी दादी तेरे साथ अत्याचार नहीं होने देगी, होने देगी। जिस जिसने तेरा ये हाल किया, हाल किया, जगन जगन, किशन किशन और चंदर चंदर, तीनों को पत्थर का बना दूंगी, पत्थर का बना दूंगी। सरपंच जी, आपकी ये बात पूरी तरह से निराधार है, अविश्वसनीय। मिस्टर पाठक, आपकी इस बात पे तो मैं भी सहमत करती हूँ, क्योंकि मैं शैतान पे ही नहीं भगवान पे भी विश्वास नहीं करती। I'm an atheist। और ये घूरी डायन की स्टोरी, यकीन कीजिए आप लोग, पुलिस ने भी जब पुनिया के घर की तलाशी ली तो उसके आंगन में केंचुओं का एक बहुत बड़ा झुंड मिला। अब ना तो ये बारिश का मौसम है जज साहब, जरूर वो घुरी के बालों से ही निकला होगा। सरपंच जी, ये इन काल्पनिक बातों पर, निराधार बातों पर अदालत विश्वास नहीं करती। और सत्य तो ये है कि घुरी का ना कोई अस्तित्व है, ना कोई। अनुमति है। जज साहब, हमें और एक सबूत मिला है, मेरा मतलब है पत्थर की मूर्ति। गुना जी, ये मूर्ति हमें बचकुंडा गांव के पुराने खंडर से मिली। अरे जरूर, इसे भी घुरी ने ही पत्थर बनाया होगा। अब उड़क बक्सा को बहुगुना को देखियो, ऊ को साथ मिलाने के लिए 10 लाख का डील किए हम। योर ऑनर, मैं जमींदार नानूमल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। बड़े धाक वकील हो आप, माने फालतू हमको बार बार कटघरे में देखने का शौक है आपको क्या है? नहीं 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 नहीं, शौक तो आपको है जमींदार साहब रिश्वत देने का। ए वकील, अपनी औकात में रह, किसको रिश्वत दिया हम है? योर ऑनर, 2 दिन पूर्व जब मैं जमींदार साहब से भेंट करने इनके घर गया था तो मैंने देखा कि अबुरक बक्सा को बहुगुना को देखियो, बहुगुना को, ऊ को साथ मिलाने के लिए 10 लाख का डील किए हम। तू का समझता है उस सीधे केडी पाठक के चलते हम टेढ़ा केस जीते हैं का? झूठ बोल रहा है जज साहब। सत्य तो ये है योर ऑनर कि ये जो भी व्यक्ति यहाँ बसकुंडा गांव से लापता हुए हैं, उनके लापता होने के पीछे जमींदार साहब का हाथ है। और जब बहुगुना जी को इस बारे में पता चल गया तो बहुगुना जी ने इस बात को छिपाए रखने के लिए, रहस्य रखने के लिए जाकर जमींदार साहब से पैसे मांगे। इस बात से क्रोधित होकर संभवतः जमींदार साहब ने उन्हें भी गायब कर दिया और अब उनका बुत हमारे सामने यहाँ खड़ा है। जज साहब, ये झूठ का गोला फेंक रहा है आपकी तरफ, कैच मत कीजिएगा। ना हमने बोगुना को पैसे दिया है और ना इसको। तो क्या है वो तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब मैं आपके घर आया था आपके मुंशी, तो क्या नाम है, फटपटी, फटपटिया, फटपटिया दास थे ना वहाँ। योर ऑनर, मैं फटपटिया दास को बुलाना चाहूंगा। मुंशी फटपटिया दास, मिस्टर पाठक जो कह रहे हैं क्या वो सच है? सही तो दो ही लोग हैं हजूर, एक आप, एक हमरे माई बाप। मुंशी फटफटिया दास, आप प्रश्न का सही सही उत्तर दीजिए, वरना आप पर हम धारा। जज साहब,
हम गरीब पर धारा का सहारा मत लगाइए। ठेकेदार साहब ने पैसा देने की बात नहीं कही थी, और तो पाठक साहब को गलत फैमिली हो गई है। हाँ, आपकी ये दलील भी फ्लॉप होगी मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फटफटिया दास झूठ बोल रहा है, अदालत में झूठा कथन दे रहा है, संभवतः ठेकेदार के डर से। कारण जो भी है योर ऑनर, बहुत शीघ्र मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस समय योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान इस बुद्ध की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। ये बुद्ध संगमरमर का बना हुआ है योर ऑनर, उसी धातु का जिससे पहली तीन मूर्तियां भी बनी थी। पता लगाने पर यह ज्ञात हुआ है योर ऑनर कि यहां से 40 किलोमीटर दूर आकाशदीप नामक स्थान पर यह सस्ता संगमरमर मिलता है जिससे ये चारों मूर्तियां बनाई गई हैं। मेरा ऐसा मानना है योर ऑनर, वहां जाकर हम छानबीन करें तो इस रहस्य की, सत्य तक पहुंचने की कोई कड़ी मिल सकती है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं अदालत से कि मुझे एक दिन का समय दिया जाए। बोलो भाई। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, एसी लगाऊं? लगाओ ना, मस्त लगेगा, ऐसा चलता फिरता एसी। अरे किधर है अपन मरुण भाई? पिकनिक पे। अरे इधर कोई छोकरे लोग भी दिख नहीं रहा, क्या बोलते हो? तू चुप रहेगा, जस्ट बात कर रहा है। गाना मत गा, अपन ने गाना। फोन आ रहा है, चुप रहे। केंट से का फोन। चुप। यस सर। कड़े बाल कैसे हो तुम? सर हम लोग जगह पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं दिख रहा सर। हाँ बस। सर कोई इंसान भी नहीं है। हाँ बस। ठीक है सर, मैं सब कुछ पता लगा के आपको फोन करता हूँ। हाँ बस। ए वरुण भाई। हाँ। वो तो मटकी दिख रहा है दूर से। चलो इधर चलते हैं। हाँ राइट। ए चल वरुण भाई। समय किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? वरुण भाई, वरुण भाई क्या कर रहे हो यार? जब देखो अपनी अपनी चलाते हो। आप कहते छोकरी मां भी पकड़ो नहीं, अपना मैन टू मैन एकदम टची फीलिंग होता है। आप समझ रहे हो अपन की बात? कम ऑन, चुप रहेगा। अरे अपन चुप भी जाए वरुण भाई, कब तक चुप रहेगा वरुण भाई? एक दिन अपन को बोलना ही पड़ेगा। अरे वरुण भाई, अपन को लगता है ना अपन गलत लाइन में आ गए, कुछ है ही नहीं करने को। जब देखो जंगल में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। हां मैं समझ रहा हूं, तू कामचोर हो गया। ए वरुण भाई, अपन को कामचोर वामचोर नहीं है। शमान शमन, ये गिरा नहीं। अभी तो गिरा वरुण भाई। मेरा मतलब यह है कि किसी ने गिराया है इसे। किसने गिराया? वही तो पता लगाना है। तू एक काम कर, तू वहां जा, मैं यहाँ आ जाता हूँ। अबे गधे कहीं के, एक बात बता देते हैं हम तुमको, अगर वो बच गया ना तो तुम नहीं बचोगे, सीधा गंगोत्री पहुंचा देंगे। बात नासा काम नहीं कर सकते। क्या होगा मेरा? मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। बाहर निकलो। क्या हो तुम? Bye.
बॉस ये तो वही चंगुठी है जो अपू उनको वरुण भाई की मूर्ति के पास मिली थी। वरुण भाई शपथ, जिसने आपका हिस्सा अलग किया ना उसके अपन बैंड बजाएगा। समन 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 क्या कर रहा है तू? ये वरुण नहीं, उसकी मूर्त है। ये अंगूठी देख रहे, ये अंगूठी मैंने जमींदार नानुमल के हाथों में देखी थी। बॉस बोले तो 100% उस नानुमल का काम है ये सब। इस समय तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि वरुण कहाँ है, किस हाल में है। फिर से फोन ट्राई करता हूँ उसका। फोन बज रहा है, कोई उठा नहीं रहा। वो सपन को सॉलिड लगता है। इस साला नानुमल है ना, इसने वरुण भाई को छुपा के रखे ले। आप देखो अपन जाएगा ना, उसका ऐसा घुसना मारेगा ना साले को, उसकी नानी आ जाएगी। बस तू एक काम कर, श्रवण कहां चला गया? श्रवण श्रवण खुश तो बहुत हो गए आज तूने। एक एक अच्छे अच्छा रे अपुन, क्षण एक क्षण इंसान को तूने बेवड़ा बना डाला है। एक घड़ी के पिद्दे काय आए हो यहाँ? अब उन्हें देशे तुम गए को आए हैं? हाँ अब उन्हें देशे बदल गए को आए हैं। अब उनको मालूम है तूने तूने मेरे अब उनका सबसे प्यारा अब उनका आगरा के पागल खाने से आयो का? चल भाग यहाँ से, भाग गए तो तुहार कान के नीचे एक चमाट दे देंगे। किधर मारेगा? अपुन को चमाट दे, अब तेरे को तू चमाट की बात करता है, अपुन तेरे को इधर आने का ऐसा थोड़ा ऐसा करने का अब लाद है। अरुण भाई आई चप्पत आई लव यू बाबा। हमको तो पता ही नहीं है कि बहुगुना का बैग हमारी हवेली में कैसे पहुंचा। योर ऑनर संभवतः इन्हें नहीं पता, किंतु मुझे पता है। मैंने पिछली सुनवाई में आपसे कहा था कि इन्होंने 10 लाख रुपए रिश्वत दिए थे बहुगुना को, फिर वो लापता हो गए, उनका बुत मिला और अब बहुगुना जी का बैग 10 लाख रुपए से भरा हुआ इनकी हवेली में मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है योर ऑनर कि इन्होंने रिश्वत दी थी, लेकिन झूठ बोला था कि रिश्वत नहीं दी। और झूठ वही व्यक्ति बोलता है योर ऑनर जो कोई बात छिपा रहा होता है। अरे हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है जज साहब, जाल बुना जा रहा है हमारे खिलाफ। योर ऑनर सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस स्थान से मेरे सहायक वरुण का अपहरण हुआ और जहां उसकी मूर्ति मिली, वहां योर ऑनर भोगुना जी का ये अंगूठी भी। हाँ तो जमींदार साहब क्यों झूठ बोला था आपने कि आपने रिश्वत नहीं दिया था? आपने अपने मुंशी जी को भी दबाव में डाला झूठ बोलने के लिए। पाठक साहब वो तो हमने इसलिए कह दिया था कि हमारे मालिक का नाम बदनाम ना हो,
हम सच कहते हैं, हमारे मालिक ने ना तो किसी का किडनैप कराया है, ना ही बुतपेन का कोई हाथ है। वो तो सब भूरी ने पुनिया के माध्यम से कराया है। नहीं नहीं, हम नहीं। ए पुनिया, पिलपिला काहे को रही है? वो तुम्हारी बैर के जेल में जो सफेद पोटली मिली थी, उसमें वर्म का मोबाइल मिला था, बताओ वो कहां से आया? बताओ, ये ठेकेदार सब लाए थे इसको? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो इंस्पेक्टर पाटिल ही दे सकते हैं। इंस्पेक्टर पाटिल, कृपया बताइए कि मेरे सहायक वरुण का दूरभाष यंत्र, उसका मोबाइल फोन पुनिया के सेल तक कैसे पहुंच गया? कोई आया था इनसे मिलने? यस साहब, वहां मिलने कोई नहीं आया था। विचित्र बात है कि वहां पहाड़ी से लेकर के इनके सेल तक अंततः मेरे सहायक वरुण का मोबाइल फोन पहुंचा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं इंस्पेक्टर पाटिल की आप या ऐसी बातें कर रहे आप मिस्टर पाठक? कुछ मिला है तो पुलिस पे शक करने लगे आप? तो फिर आप ही बताइए इंस्पेक्टर पाटिल कि वो मोबाइल फोन इनके सेल में पहुंचा कैसे? चलकर तो आया नहीं होगा। साहब, हम अदालत को ये बताना चाहेंगे कि मोबाइल वहाँ एक सफेद पोटली में बंधा हुआ था और उसके आसपास कुछ केचुए भी घूम रहे थे। यानी कि मतलब साफ है, ये गांव वाले जो कुछ भी कह रहे जस साहब, ये बिल्कुल सही है। घुरी सही में है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वही कर रही है। मिसेस लेखी, इस मुद्दे पर अदालत आपकी राय जानना चाहती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? योर ऑनर, लगता है प्रोसिक्यूटर साहिबा ने मौन व्रत धारण किया है, या तो ये कुछ बोलना नहीं चाहती या फिर इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। अब ऐसी कोई बात नहीं है, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने जो कुछ देखा था वो सच था या। क्या देखा आपने मिसेस लेखी? योर ऑनर, एक्चुअली मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरी हूँ, रात में मेरे साथ बहुत अजीब सा वाकया हुआ। दरवाजा कैसे खुल गया? चली जा तू यहां से, चली जा। जरूर कोई नौटंकी कर रहा है मुझे डराने के लिए। हाँ मैडम। वॉचमैन, जल्दी इधर आओ। ये केस छोड़कर चली जा तू। मेरी पोती पुनिया के खिलाफ जो भी लड़ेगा वो मरेगा। घूरी उसे पत्थर बना देगी, पत्थर। इसलिए योर ऑनर, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे अपनी आंखों से देखने के बाद मजबूर होके मुझे मानना पड़ेगा कि सुपर नेचुरल पावर, आई मीन ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो घूरी कर रही है। चलो, देर आई दुरुस्त आई। अब जो सच है वो तो अदालत क्या भगवान को भी मानना पड़ेगा जज साहब, इसलिए आप भी मान जाइए। अदालत 5 मिनट के रिसेस ब्रेक के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक। जी सर। ये केस शुरू हुआ था एक मिस्ट्री को लेकर और अब कुछ और ही बनता जा रहा है, क्योंकि कानून के दायरे से बाहर है और अब तो प्रोसिक्यूटर लेखी भी गांव वालों के साथ हो गई है। मुझे और आपको छोड़कर अदालत में सभी ने इस बात को मान लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे घूरी का ही हाथ है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इन हत्याओं में घूरी का कोई हाथ नहीं, कोई और ही व्यक्ति है। बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे सत्य तक पहुंचने का। अब आप ही कुछ कर सकते हैं मिस्टर पाठक। कानून के दायरे से बाहर निकले हुए केस को
वापस लाकर। अदालत अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इस केस का फैसला ले सके, इसलिए डिफेंस की मांग पर यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ए वकील, जब सब मान चुके हैं कि असली मुजरिम घोरी है तो फिर काय को खुजली होली, तेरे को कहानी खत्म कर देंगे तेरी। रविंदर साहब, इस कहानी का आरंभ आपके साथ हुआ था, अंत भी आपके साथ होगा। और अपना हाथ अपने तक ही रखिए, कहीं उखड़ गया तो पगड़ी पहनाने में कठिनाई होगी। जय राम जी के। भाई कुछ खा लीजिए ना, आप उन लाला ना भजिया लाला, आप बस बोले ना वरुण भाई, वरुण भाई थोड़ा खा लीजिए ना, कुछ खाया नहीं आपने, क्या मालूम ऐसा सब खाने से शायद वापस आ जाए वरुण भाई। वरुण भाई, तुझे बोला ना पहले, ये वरुण नहीं उसकी मूर्ति है, मजाक कर रहा है क्या? बस वरुण भाई, बॉस आपने भी कुछ खाया नहीं है, बॉस खा लीजिए ना। नहीं यार सुमन, भूख नहीं है। बॉस ऐसा नहीं करने का, बॉस थोड़ा थोड़ा खा लीजिए ना। नहीं है सुमन, भूख नहीं है मुझे। बॉस खा लो ना। अरे बोला ना नहीं है भूख। सेक्टर साहब, देहरादून में 120 एकड़ की जमीन का टुकड़ा, कहीं नोट छापने की मशीन तो नहीं हाथ लग गई? अरे इतना पैसा लाओगे कहां से? अरे फटफटिया, भगवान जब देते हैं ना तो खंडर ऊपर फाड़ के देते। अरे कौन नचनी आई है रात को पायल छमछमाती? खुरी हूं मैं। काम तमाम कर दूंगी मैं। अरे गुड़िया जी, अरे गुड़िया जी, गुड़िया हमने कुछ नहीं किया। तुम घोरी हो? हाँ। अबे केड़ी के साहब, ये केड़ी पाठक और उसका चेला मिलके गांव में नौटंकी कर रहा था, ये है असली घुरी। हाँ क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, ये सत्य है कि मैंने अपने सहायक श्रमण को जमींदार साहब के घर घुरी के वेश में भेजा था, इसलिए योर ऑनर क्योंकि मुझे इन पर संदेह तो पहले से है, मुझे लगा कि घुरी को देखकर ये सच उगल देंगे। दुनिया कहां से कहां निकल गई पाठक साहब, आप एक ही मेरे ही पीछे पड़े हो। हाँ जमींदार साहब, केड़ी पाठक किसी के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है, अब बस आपके मुंह से सच उगलवाने की देर है। योर ऑनर, मैं अदालत के समक्ष वो सत्य रखना चाहता हूं जो स्वयं मुझे यहां की वीडियो लकीर सिंह ने बताई। ये देखिए, हाँ ये हवा जरूर फैली थी मिस्टर पाठक, आज से लगभग 2 साल पहले
ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि बसकुंडा के जंगलों में खंडर के नीचे कोई सोने की खदान है, जैसे कि कुछ महीने पहले आपने यूपी में सुना था। उसके पश्चात क्या हुआ बताइए ना, जानने को इच्छुक हूं। होना क्या था, एएसआई के ऑफिसर आए, सर्वे किया, जांच पड़ताल की। क्या पाया जांच में? निकलना क्या था, उन लोगों ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी और कह दिया कि सोना नहीं है खंडर के नीचे, और बस बात वही खत्म हो गई। लेकिन लेकिन क्या, एक शख्स था जिसने एएसआई की रिपोर्ट को चैलेंज किया और अंत तक कहता रहा कि रिपोर्ट झूठी है। उसका विश्वास था कि खंडर के नीचे आज भी सोना है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? नानुमल ठेकेदार। मिस्टर पाठक। हाँ जी। केस तो लगभग सॉल्व हो चुका है, तो फिर ये सोने की खदान की बात, आई मीन लास्ट मिनट ट्विस्ट क्यों? योर ऑनर, यही तो ट्विस्ट है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ है अब तक, ये उस सोने की खदान के कारण ही हुआ है। जैसा कि हमें बीडीओ लकीर सिंह ने बताया, एएसआई की रिपोर्ट भी यही कहती थी कि उस खदान में सोना नहीं है, किंतु हमारे जो पूजनीय जमींदार साहब है इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। पाठक साहब आप पूरी तरह बसिया गए हैं। जब इस सोने के खदान के गांव में हल्ला मचा था ना 2 साल पहले, तब हम दिल्ली में टीबी का इलाज करवा रहे थे। 4 महीने हम अस्पताल में थे, पूरा गाँव इस बात का गवाह है। और चाहिए तो हम अस्पताल का रिपोर्ट भी दिखा दें, फिर कौन सा इल्जाम लगा रहे हम पर? हैं? ये वीडियो तो झूठ बोल रहा है। देखिए ओनर, उस समय मुझे लगा कि क्या लगा आपको? क्या लगा था उस समय? उस समय मैं छुट्टी पर था। क्या छुट्टी पर थे? झूठ बोल रहे हैं आप सिंह साहब, कोई छुट्टी वुट्टी पे नहीं थे, आप यहीं थे। और जब से एएसआई यहां निरीक्षण कर रही है, 2 वर्ष हो गए उसको, आप यही हैं। यह भी सुनने में आया है कि इस समय में आपको कई पोस्टिंग ऑफर हुई थी यहां से बेहतर, फिर भी आप इस पिछड़े हुए ब्लॉक में रहे, क्या कारण है इसके पीछे बताइए। योर ऑनर, एएसआई का जो दल यहां बसकुंडा आया था यहां के खंडहर का निरीक्षण करने, उनके जो मुख्य अफसर है श्री बी के गोयल, उनसे संपर्क करने का मैंने प्रयास किया तो पता चला कि वो पिछले 3 हफ्तों से छुट्टी पर है। और ये जो कार्यक्रम चला है बसकुंडा में लोगों के लापता होने का और उनकी मूर्ति पाए जाने का, ये कार्यक्रम भी योर ऑनर इसी समय में आरंभ हुआ है। एक और बात विशेष ध्यान देने वाली है योर ऑनर, कि जितने भी लोग लापता हुए हैं, किशन, चंदर, जगन, हमारे वकील बाबू और मेरे सहायक वरुण, ये सब नौजवान हैं योर ऑनर, शक्तिशाली। किसी भी महिला को या वृद्ध दुर्बल पुरुष को अगवा नहीं किया गया, उनका अपहरण नहीं किया गया, जिसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि ऐसे पुरुषों को अगवा किया गया है, उनका अपहरण करवाया गया है योर ऑनर, जो शारीरिक रूप से परिश्रम कर सके। और मेरा पूरा विश्वास है योर ऑनर कि इस समय वो सारे व्यक्ति ऐसा ही कर रहे होंगे उस खदान के अंदर। मिस्टर सिंह, क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? मुझे क्या पता? अद्भुत बात है, आपको कैसे नहीं पता, आप ही तो सब कुछ कर रहे थे। वैसे जो आपको नहीं पता मैं वो आपको बता देता हूं, पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी थी मैंने, पुलिस वहां पहुंच चुकी है खदान में और छापा मार चुकी है, बहुत जल्द सत्य यहां प्रवेश करेगा अदालत में, वो सत्य कि आपने बीके गोयल साहब के साथ साथगांठ करके गवर्नमेंट को झूठी रिपोर्ट भेजी कि उस खदान में सोना है ही नहीं, जबकि उस खदान में सोना है भारी मात्रा में। और फिर आपने प्रतीक्षा की मीडिया में चल रही चर्चा के ठंडे हो जाने की, और जैसे ही मीडिया का ध्यान यहाँ से हटा आप अपने कार्य पे लग गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो
उप अधिकारी है गोयल साहब, जो छुट्टी पर है 3 हफ्ते से, वो और कहीं नहीं है, खदान में है दिशा निर्देश देते हुए। और आपने ये कार्य प्रारंभ किया लोगों को अगवा करने का, युवाओं को अगवा करने का, क्योंकि सोना निकालने में आपको जल्दी थी और उनकी सहायता चाहिए थी। एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि चंदर का अपहरण तो आपने किया था ताकि आप उसके द्वारा खदान करवा सके, फिर आपने उसका सर क्यों कटवाया? मैंने उसका खून नहीं किया। जब आप साबित कीजिए मिस्टर पाठक। ये चारों लोग हमें खंडर से मिले और इस जुर्म में लकीर सिंह के साथ बराबर की हिस्सेदार है, और साथ में चंदर की कटी हुई बॉडी भी मिली। अब चंदर की हत्या अकस्मात हुई या आपने उसका गला काटा, ये तो जांच के बाद पता चल ही जाएगा। और दंड मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। योर ऑनर, मुझे लगता है कि यहाँ मैं पूरी तरह से प्रमाणित कर चुका हूँ कि मेरी मोक्किल इन्होंने न किसी की हत्या की है और ना ही अपहरण। एक अंतिम प्रश्न सिंह साहब आपसे पूछना था, इतनी सुंदर मूर्तियाँ आपने कैसे बनवा ली, कहाँ से, किससे? वो मैंने राजस्थान से 2 स्पेशल शिल्पकार बुलवाए थे, वो ये काम करते थे, मैं तो बस उन्हें पत्थर मुहैया करवाता था। और वो जो घूरी मुझे दिखाई दी थी, इन सब गांव वालों को भी दिखाई दी थी, वो कैसे? वो मैं पास के गांव से एक नाटक में काम करने वाली लड़की को घूरी बनकर डराने के लिए पैसे देता था। और अपहरण के बाद उस इंसान की मूर्ति वही छोड़ देता था। और वो सोना? योर ऑनर, खुदाई अभी भी जारी है और उस एरिया को हमारे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। अदालत, सभी पक्षों को सुनने के बाद पुनिया को सभी आरोपों से बरी करती है और लकीर सिंह सहित इस षड्यंत्र में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The case is closed. आज्ञा दीजिए। मुबारक हो मिस्टर पाठक, आपने इस पत्थर की मूर्ति के केस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया। मूर्ति के आदेश पर चलते चलते अब तो हो जाता है ऐसे ही। कैसी मूर्ति? वही मूर्ति, देखिए, न्याय की मूर्ति। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.